हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम हैं दिल्ली मेरे फ्रेंड के घर पे। तो आज मेरा प्लान है हरियाणा के लिए वापस जाने का। फिलहाल मैं तो नहा धो के रेडी हो गया हूँ। पीयूष और साहिल तो अभी उठे नहीं है। उठो रे, आज अपन हरियाणा जाना है। पीयूष जी, साहिल, हरियाणा जाने से पहले ना हमको जाना है पहले हॉबी क्राफ्ट। आज हमारा लंच वहीं पर ही है। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे मेरे स्ट्रगल टाइम में। तो आज उनके पास जाएंगे और लंच करके फिर हरियाणा के लिए निकलेंगे। तो शाम तक हम पहुंच जाएंगे हरियाणा अपने घर पे, और जो के पास मम्मी पापा के पास। हॉबी क्राफ्ट चलेगा तो फिर रेडी हो जाओ। सुबह सुबह डराने के लिए अपनी गाड़ी देख के आओ, सही सलामत है या नहीं है। मतलब क्या चाह रहे हो, गाड़ी खो जाती है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे खतरा है गाड़ी लाने में। खड़ी तो है, कुछ होना था क्या इसमें? यार ये ठुक गया यार, ये बहुत बेकार लग रहा है। जाके ठीक करवाऊंगा आज, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। ठीक है ना तसल्ली? तो गाड़ी अपने सही सलामत है। तो गाइस इनसे मिलो, शीज प्रिया। नहीं भी तो नहा ही नहीं तो क्या होगा। शी इज ऑल्सो ए ग्रेट आर्टिस्ट। तो साथ में ये भी चलेंगे हॉबी क्राफ्ट, वहाँ पे आज हमारा लंच है। तो अभी 9 बजने वाले हैं, तुम्हारा प्लान है 10 बजे तक निकलने का। और आपको एक मस्त से सर से मिलाऊंगा, इंकू सर, कैलीग्राफी करते हैं मस्त मस्त। तो उनसे थोड़ा बहुत सीखेंगे भी और फुल मस्ती करेंगे। बाकी मैं आसपास का एरिया दिखाता हूँ आपको। कल रात को मैं देख रहा था यहाँ से, मतलब यहाँ की तो लाइफ ही अलग है। छतों पे लोग सो रखे अपने मस्त तरह से। हम भी सोते थे पहले छत में, यहाँ पे तो कितने भी, ये वाले घर में तो बिल्कुल। गाड़ी की दिक्कत आती है बस लाने में, इस वाली गली में गाड़ी खड़ी अपनी। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हॉबी क्राफ्ट चलना है। वो तो दो कपड़े, कपड़े ये रे, सुन ये डाल लियो, ये डाल लियो, ये डाल लियो। इसने नाक का हाल देखो क्या कर लिया अपना। जल्दी से रेडी हो जा, ठीक है? हाँ। अपने को निकलना है। नींद आ रही है, गाड़ी में सो जाइयो। तो भी आपको इनके आर्टवर्क दिखाता हूँ मस्त वाला। ये देखो पेंसिल से बना रखा है, भाई कितना रियलिस्टिक लग रहा है। ये देखो मनोज वाजपेयी खुद की भी बना रखी है, उत्तराखंडी स्टाइल में विद बुरांस का फूल। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं। ये देखो हम सकल, आ जा पीयूषी जल्दी आ, चल तेरी फेवरेट। बाय। चले चले, ठीक है, प्रणाम सभी को। बाय 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 बाय। तो अभी हम निकल तो चुके हैं और पहले जा रहे हैं इंकू सर के स्टूडियो में, फिर वहां से उनको भी ले चलेंगे और फिर चलेंगे हॉबी क्राफ्ट। पीयूष तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हॉबी क्राफ्ट, साहिल तो गया पहले मेरे साथ वर्कशॉप में। तो गाइस अभी हम घूमते फिरते पहुंच चुके हैं बाबा का ढाबा भी, जो कि बंद पड़ा है। बंद क्यों पड़ा है? छोड़ दी, यूजुअली अपन देखते थे वीडियोस में। पहुंचने वाले हम सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हैं। तो पहुंच चुके हैं सर के पास फाइनली। नमस्कार सर। चल अरे 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 आ जाओ। अरे वाह, ये 3 का सेट है। अगर इंडिविजुअली है 1 2 3 और एक अंदर लग रही है, तो इसमें से जो भी पसंद होगा। अच्छा मैं ले सकता हूँ? हाँ। तो ये सब यहाँ सर के आर्टवर्क, काफ़ी बड़े बड़े सर कैलीग्राफी करते हैं, काफ़ी मस्त। ये देखो कितनी मस्त कैलीग्राफी कर रखी है। ये देखो तो सर कह रहे हैं इसमें से तुम एक चूज़ कर सकते हो, एक पेंटिंग अपनी। तो मैंने ये वाला चूज़ किया है, इसकी कुछ खासियत बताओ, आपने बनाया है ना? हाँ, सो बेसिकली क्या है ना, एक ये मेडिटेटिव है। मेडिटेटिव मतलब जब मैं इसको बना रहा था ना, तो बस ये जैसे होता है ना, कई पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब आपका माइंड बहुत पॉजिटिव और बहुत मेडिटेटिव होता है ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगता है, कुछ चीज़ें स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं। तो बस मैंने इसको इस तरीके से ना ऐसे रखा था और एकदम आराम से उसको 5-6 स्ट्रोक में कंप्लीट कर दिया था बस। हाँ ये, और ये जो है ये बाद में पूरा ना गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे गायत्री मंत्र भी लिखा हुआ है, देखो ये रहा। और ऊपर वो जो मेन उसका बिंदु होता है वो है। अच्छा मेन बिंदु, ओम थैंक यू सो मच सर। ये जो है ना, ये बेसिकली ये मम्मी पापा का है। अरे वाह, सारा पीयूष लिखा हुआ है। अरे वाह, ओ वाओ, और ये सौरभ लिखा हुआ है, दिखाइयो कितने प्यारे लग रहे हैं। साहिल के नाम से साहिल बना दिया, मेरे नाम से मैं बना दिया। तो गाइस देखो कितना बारीक काम कर रखा है, सौरभ से मेरा पूरा पोर्ट्रेट बना दिया, हिंदी भी लिख रखा है, इंग्लिश भी लिख रखा है। थैंक यू सो मच सर। ओके, अभी क्या कर रहे हो? मैं इस प्रिया के लिए कुछ लिख रहा हूँ। सर की कैलीग्राफी देखो क्या मस्त है। सर का चैनल भी है, चैनल भी चेक कर सकते हो अगर आपको सीखनी है तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट कैलीग्राफी आर्टिस्ट आई हैव एवर सीन।
तो आप चलते हैं हॉबी क्राफ्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आ गया यहाँ पे। ये उठाओ, ये कौन उठाएगा? पीयूष तू उठाएगा? तो फाइनली अब हम निकल रहे हैं हॉबी क्राफ्ट के लिए, मास्क ऑन। तो अभी हॉबी क्राफ्ट पहुंच गए हम, गाड़ी पकड़ा दी अब क्योंकि पंचर हो रहा था, ठुक भी गई थी, धुलवानी भी है, सारे काम हो जाएंगे, इतने हम ऊपर चलते हैं। कैसा लग रहा है? मस्त। तो ये रहा अपना कॉम्बो पैक जो कि हमने डिजाइन किया था, आर्ट बाय सौरभ जोशी। बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं, सब में ही है सौरभ, पूरा ही सौरभ है ये। इसमें भी ऐसी है, पीयूष वाले में भी ऐसी है, और साहिल वाले में साहिल है। तो अभी कोल्ड कॉफी मंगाई और पीयूष को पसंद ही नहीं आई, कह रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीयूष को वो वाली कोल्ड कॉफी पसंद है, चॉकलेट वाली, वो जो होती नहीं है जो रेस्टोरेंट में मिलती है, हाँ हाँ वही, उसमें चॉकलेट का ही टेस्ट आता है। पीयूष अभी सीख रहा है सर से, बेसिक ऑफ कैलीग्राफी। ये देखो सर ने ग्लास पे कितना मस्त वर्क किया, ऐसा लग रहा है हवा में कर रखा है। हाँ, अब सही लग रहा है। तो पीयूष ने आज इतना कुछ सीखा है, ये भी यहाँ तक। तो ये हमारा वर्कशॉप एरिया, यहाँ पे होंगे वर्कशॉप। अरे ये रही, तो ये अपन ने बनाया था एक, ये भी अपना ही है। पीयूष आपने कुछ नहीं पकड़ा होगा। तो अभी हम हॉबी क्राफ्ट से तो बाहर आ गए और सबके हाथ में बैग ही बैग हो गए। तो गाड़ी हमने ठीक करवा ली है, पीछे जो ठुकी थी साफ भी हो गई है, धुल भी गई है। तो अभी जस्ट हम निकले थे और फिर से पुलिस वालों ने रुकवा लिया, रॉन्ग साइड से मोड़ ली मैंने, हमारा कल भी कटा 2000 का। तो गलती मेरी ये थी कि रेड लाइट हो रखी थी, हाँ, और मैंने यू टर्न ले लिया ऐसे, कोई नहीं आगे से नहीं लेंगे। दिल्ली में चलाने का ना यही एक मतलब फूक फूक के चलाना पड़ता है। तो अभी पहले सर को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद प्रिया को ड्रॉप करते हैं और फिर हम निकलते हैं हरियाणा के। तो सर की मेट्रो आ गई है, अभी छेड़ने का टाइम आ गया, जल्दी मिलेंगे। बहुत मजा आया, एंड थैंक यू सो मच, इतने अच्छे अच्छे आर्ट वर्क्स के, और साहिल से भी और प्रिया से, और आप तो बहुत ही दिल के पास हो। थैंक यू सो मच, अच्छा ही लगता है हमेशा। एक बार लास्ट बाय साहिल। अब बस घर छोड़ के और हम भी निकलते हैं अपने घर, अपना सामान उठा लो, बस अपना सामान। बैग में स्केच बुक पड़ी होगी, निकाल दी ब्लैक वाली। हाँ। तो प्रिया के घर पे पहुंच गए, अब हम भी चलते हैं, ठीक है, बाय। अब चलते हैं नॉन स्टॉप सीधा हरियाणा। दिल्ली में फुल मजा आया, फ्लाइंग भी सर के साथ में, विला में, और यहाँ पे भी, हॉबी क्राफ्ट में भी। अब तो पता नहीं कब ही आऊँगा दिल्ली, अब तो क्योंकि शिफ्ट करना है ना, हल्द्वानी जाएंगे। अब सीधा घर का मैप लगा ले। तो गाइस अभी भी जस्ट चेक किया, हमारी 3 वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही हैं, वो भी लगातार। वैसे आई तो हमारी 5 वीडियो हैं, बट अभी 3 वीडियो जो हमारी लास्ट की 3 वीडियो, तीनों ट्रेंडिंग में। थैंक यू सो मच ना प्यार देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फ्लाइंग विश सर। तो गाइस मेरे को ये वाली रोड याद आ गई, 2017 की बात है, मैं जब दिल्ली में रहता था, कोचिंग लेता था आर्किटेक्चर की, यहाँ पे मैं पैदल डोलता था 5 रुपये बचाने के लिए, 5 रुपये लगते थे। और एक बार तो मैं पैदल चला गया था यहाँ से पूरा आगे तक, नजफगढ़ तक पूरा पैदल। वो दिन भी क्या दिन थे। अभी तो आपको यहाँ मेट्रो दिख रही होगी, उस टाइम पे मेट्रो नहीं थी यहाँ पे, ये अभी हाल ही में बनी है, मतलब काम चल रहा था उस टाइम पे, इसलिए मेरे को बस में जाना पड़ता था। तो गाइस अभी रात के 8 बज चुके हैं और अभी तक हम नहीं पहुँचे, पूरा अंधेरा हो चुका है और 76 किलोमीटर बाकी है अभी। तो 1 घंटा दिखा रहा है पूरा, तो 1 घंटा हमको ऐसे आज अंधेरे में ड्राइव करना पड़ेगा दिल्ली रोड पे। और पीयूष तो अपना मस्त हो चुका है, साहिल यहाँ पे है, बाकी हम चल रहे हैं आगे। तो अभी हमने हमारी सिटी में एंटर कर लिया है और पूरे 9 बज गए हैं, सही टाइम पे हम पहुँच गए घर पे। बहुत भूख लग रही है पीयूष यहाँ, पीयूष और साहिल ने पार्किंग का गेट खोल दिया। तो फाइनली गाइस घर पे पहुंच चुके हैं मम्मी के पास, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद, भूख लग रही है लेकिन बहुत ज़्यादा। एंड ये रहा ओरियो। तो फिलहाल डिनर करते हैं, आज डिनर स्टूडियो में ही करेंगे। ओलू सौदा आ गए हैं, क्या बनाए मम्मी? आलू की सब्जी, रायता और खीर। तो आज बहुत दिनों के बाद सिंपल रोटी, सिंपल सब्जी। तो डिनर तो हो चुका है, अब फिलहाल मैं तो बस एडिटिंग करूँगा। तो अभी रात के 12 बज चुके हैं और एडिटिंग थोड़ी बहुत हो पाई है मुझसे, आगे मुझसे नहीं हो पा रही, बिकॉज बहुत थकान लग गई, आंखों में नींद आ रही है, क्योंकि आज इतना ड्राइव करें ना दिल्ली में तो, और यहाँ तक आ गया हरियाणा तक, और मतलब कभी कहाँ, तो थकान तो होती है ना। तो सोच रहा हूँ सुबह 4 बजे उठ के ही कर लूँगा मैं,
फिलहाल इसका एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अबे गिर गया यार, यही सिस्टम हो रहा है इसमें। ले जा ले जा ले जा ले जा, उठा के ले जा फिर उठा, तो इसका मिशन फेल होता है।